हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आप लोग ने यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट आ रही है फ्रॉम दी टेक महिंद्रा फ्रेशर्स इवैल्यूएशन मेल अपडेट एंड एग्जाम शेड्यूल स्टार्टेड सेंडिंग द अपडेट फॉर द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड एंड हु प्रोफाइल इज गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर दोस कैंडिडेट्स ओनली विल रिसीव अ एग्जाम मेल अपडेट फ्रॉम द टेक महिंद्रा। और फिर पता होगा आप लोग को एसी एंड सुपर कोडर जो मास हायरिंग था उनकी अपडेट्स अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं फॉर द बैच ऑफ 2024। ओके, सो यहां पर बता दो फ्रेंड, चलिए मेल को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी माय स्क्रीन, दिस टाइप ऑफ मेल यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द टेक महिंद्रा टीम इफ यू हैव अप्लाइड एंड इफ योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फर्दर राउंड। देन आपके पास एक मेल आएगा। अगर आपके पास ये मेल नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले एक दो दिन में आपके पास एक और मेल देखने को मिल सकता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम इन फेस्ड वाइज मैनर। सो यू हैव टू वेट इफ यू हैवंट रिसीव्ड एनी मेल अपडेट येट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अप्लाई करोगे तो रिजेक्शन मेल डायरेक्टली आ जाएगा कि हम आपका शॉर्टलिस्ट नहीं किए, इस एग्जाम का मेल सेंड नहीं किए, ऐसा मेल नहीं आएगा। अगर आप लोग अप्लाई करोगे, अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हो, तभी आपके पास जो है फर्दर राउंड के मेल देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो टोटल यहाँ पर टोटल 5 राउंड होने वाले हैं। राउंड वन आपका होने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश एस एंड स्टोरी का, जो कि आपका 25 जुलाई को यहाँ पर जो है रहने वाला है। और यहाँ पर ईच एंड एवरी राउंड इज योर एलिमिनेशन राउंड रहने वाला है। आपको हर एक राउंड क्वालिफाई करना पड़ेगा फॉर गेटिंग द सेकेंड राउंड, और रिजल्ट भी आपको इसी बीच में देखने को मिलेगा। लेट सपोज इफ यू आर राइटिंग गोइंग टू राइट द एग्जाम ऑन 25 जुलाई, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। और आई बटन पे आपको मैं लिंक दे दूंगा जहां पर आपको सारे के सारे मटेरियल, कोडिंग, एप्टीट्यूड, टेक्निकल, साइकोमेट्रिक्स, कन्वर्सेशनल, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर मेरे आई बटन पे देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का मैं लिंक बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाओ और आप लोग वहां पर क्वेश्चंस, आंसर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश ऐसे स्टोरी क्वेश्चन आने वाला 25 जुलाई को होने वाला 9 AM से 4 PM तक। और इसका जो टेस्ट लिंक फ्रेंड आपके पास जो है 23rd या 24th जुलाई को एक दिन पहले मेल आता है। ठीक है, सो वंस यू क्वालिफाई राउंड वन आपके पास राउंड टू का मेल आएगा, टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। ओके, जो कि 27 जुलाई को होगा। इसका रिजल्ट आप राउंड वन का रिजल्ट आपको जो फ्रेंड है वो 26 जुलाई के इवनिंग को देखने को मिलेगा। इफ यू क्वालिफाई द राउंड टू देन आफ्टर आपके पास जो है विदिन 2 डेज, मतलब 29 जुलाई को आपके पास कन्वर्सेशन का टेस्ट का मेल देखने को मिलेगा अगर आप लोग क्वालिफाई करोगे तो, नहीं तो फिर आप लोगों को रिजेक्शन मेल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हायरिंग काफी फास्ट होती है। और एग्जाम बता दो फ्रेंड, टेक महिंद्रा बल्क में एग्जाम नहीं लेती है, टेक महिंद्रा एक फेस्ड मैनर में एग्जाम लेती है, मतलब एक बार में जो है 1000 या 2000 लोग एग्जाम दे पाते हैं। तो ज्यादातर टेक महिंद्रा सभी को एग्जाम के मेल सेंड नहीं करती है। अगेन रिपीटिंग, टेक महिंद्रा विल नेवर सेंड ईच एंड एवरी वन टू ईच एंड एवरी वन एग्जाम मेल। जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो क्राइटेरिया को मैच करते हैं, 70% जो भी क्राइटेरिया है जो मैच करते हैं, उन्हीं के पास एग्जाम के मेल आते हैं, सभी के पास एग्जाम के मेल नहीं आते। अगर अभी आपके पास नहीं आया तो मे बी जब सेकेंड फेज का एग्जाम होगा तो देखने को मिलेगा। 3 से 4 फेज में एग्जाम होते हैं टेक महिंद्रा के। अगर आपके पास अभी तक नहीं मिल आया है तो कोई डरने की बात नहीं है, वेट करें, एक और फेज आपको दो फेज आपको और देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि टेक महिंद्रा एवरी टाइम 3 फेज में हायरिंग करती है। पहला फेज जब कंप्लीट हो जाता है उसके 5 दिन बाद दूसरा फेज, फिर जब दूसरा फेज का हायरिंग कंप्लीट हो जाता है फिर तीसरा फेज वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देती है। लेकिन हाँ, एग्जाम होते हैं, लेकिन अगर आप लोग क्राइटेरिया मैच करते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हो, अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट, आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाता है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया व्हाट एवर दे हैव मेंशन इन देयर जॉब रिक्रूटमेंट पोस्टर, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अगर मैच करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम वाले देखने को मिलेंगे। राउंड थ्री आपका कन्वर्सेशन टेस्ट 30 जुलाई को होगा। फिर आपका अगर क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको विदिन 31 जुलाई के पास रिजल्ट आ जाएगा टेक्निकल इंटरव्यू का। और फिर बता दो फिर यहाँ पर राउंड वन राउंड टू आपका कंडक्टर वर्चुअली होने वाला है। और उस पर राउंड फोर में आपको जो है टेक महिंद्रा ऑफिस जाके आपको टेक्निकल इंटरव्यू, आपको एचआर इंटरव्यू देना पड़ेगा फर्स्ट अगस्त ऑनवर्ड। और ये बाद में भी वो चेंज करके ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड कर रहे, क्योंकि पहले भी बहुत बार इंटरव्यू हुए थे, काफी लोग कैंडिडेट्स छोड़ रहे थे क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स के एसी में सिलेक्शन हो रहे थे, सुपर कोडर वालों का काफी कम हो रहा था। और बाद फ्रेंड सुपर कोडर का भी सिलेक्शन आपको इसी में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको सुपर कोडर का भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सुपर कोडर के लिए आपका कोडिंग स्किल्स काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो आपको एग्जाम में मेंशन किया हुआ रहेगा। अगर आप लोग वो कोडिंग क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आप लोग सुपर कोडर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दो कोडिंग क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कोडर सुपर कोडर में जाना चाहते हो तो कोडिंग क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मली एसी चाहते हो 3.25 पैकेज, तो आपको नॉर्मली जो है आप विदाउट कोडिंग क्वेश्चन अटेंड किए भी आगे बढ़ सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोग को। ठीक है, और यहाँ पर टोटल 5 राउंड होने वाला है। इंटरचेंज मैंने बता दिया आपको, टेस्ट इंटरव्यू प्रोसेस मैंने बता दिया, टाइमिंग मैंने बता दिया, स्टिल सेंडिंग टेस्ट मेल यस अभी भी सेंड करेगी आपको, सेकंड फेज या थर्ड फेज में आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई होप दैट्स इट फॉर यू। कोई डाउट है मतलब पूछना, मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।